नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लास्टिक का इतना ज्यादा उपयोग कैसे होने लगा, क्यों लोगों ने इसको इतना ज्यादा पसंद किया। उसका सबसे पहला कारण ये है कि हम किसी भी तरह की खाद्य सामग्री इसमें स्टोर कर सकते हैं, मतलब जैसे हम अचार को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं और हम इसमें सूखी चीजें भी स्टोर कर सकते होते हैं, तो हर तरह के स्टोरेज में ये हमें मदद करता है। सेकेंड है, ये प्लास्टिक अनाभिक्रियाशील है। अनाभिक्रियाशील कैसे है, क्योंकि अगर आप इसमें अचार रखते हैं तब भी अचार कहीं उस बर्तन में चिपकता नहीं है, और अगर हम इसमें किसी तरह का रसायन रखते हैं वो रसायन को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बजाय अगर हम देखेंगे जैसे लोहा है, लोहे के बर्तनों में जंग लगता है, उसका कारण है नमी और वायु, जबकि प्लास्टिक ना तो नमी से अभिक्रिया करता है और ना ही जल से ना वायु से अभिक्रिया करता है, इसलिए हम इसमें आराम से किसी भी तरह के पदार्थ को संचयित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो है दवाई उद्योग में। दवाई उद्योग में इसका व्यापक उपयोग, दवा जो गोलियां हैं, गोलियों के ऊपर जो कवर चढ़ाए जाते हैं, जिस कवर में उनको पैक करके रैप करके भेजा जाता है, वो सभी जो है प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। घावों को सीने वाले धागे और चिकित्सकीय यंत्र, चिकित्सकों के दस्ताने, ऐसे बहुत सारे चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारा सामान है, बहुत सारी सामग्री है जो कि इसे बनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ओवन में जो यूज होने वाला प्लास्टिक होता है, उसकी खास बात यह है कि उसमें जो रखा हुआ खाना है वो तो पक जाता है, लेकिन ऊष्मा उस प्लास्टिक के बर्तन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हमारे यहां बहुत ही कॉमनली किचन में हमारे यूज होता है। टेफ्लॉन एक बर्तन के ऊपर चढ़ी हुई प्लास्टिक की परत ही होती है जो कि पानी और तेल से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए जब हम इसमें खाना बनाते हैं तो खाना इसमें चिपकता नहीं है। इसीलिए हमने ये देखा कि जितने भी तरह के प्लास्टिक हैं उनका बहुत ज़्यादा हमारे समाज में, हमारे रोजाना में उपयोग होने के पीछे कारण यही है कि ये अनाभिक्रियाशील है और इसमें हम किसी भी तरह की चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी तरह के रसायन को स्टोर कर सकते हैं, और बहुतायत में इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जो जितने भी बिजली के स्विचेस वगैरह हैं वो सब हमारे इसी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, चूँकि वो ऊष्मा की कुचालक होते हैं। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.